वो देखें अभी वहाँ से ब्रेक लगाई है उन्होंने और ये पाइप यहाँ से नया पाइप लगाएंगे। ये दूसरा पाइप पहले वाला खुल रहा है, ये खुल के और ऊपर चला जाएगा। किन्ने फुट से आया मिस्त्री साहब? पूरे 50 फुट से। इसका मतलब 50 फुट तो बहुत बोर हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। इसी दुआ से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। तो आज बोर करवाना नीचे वाला, तकरीबन हमारे इधर 400 फुट तक होता है नीचे वाला बोर। और आज जौन सी धूप भी बहुत तेज़ है, बेचारे जिन्होंने बोर करना है वो पता नहीं आज किस तरह करते हैं। और उनके साथ हमारा ठेका हुआ है 75 रुपये फी फुट, एक फुट का ना 75 रुपये लेंगे, जितने फुट नीचे जाएगा उतने पैसे लेंगे वो। अभी ये शाम को पता लगेगा कि कितना होता है, 400 होता है या 400 से कम होता है। ये जो ऊपर वाले बोर हैं ये तो हाथ से हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाला बोर है ना, जो गहरा बोर है, ये मशीन के साथ करवा रहे हैं। तो ये होगा भी मशीन के साथ ही, मशीन के अलावा नहीं हो सकता। ये मशीन है जो चलती है और ये पाइप है जो इसमें डलते हैं, और जो उनसे पाइप बोर होने के बाद इसमें डालने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये मिस्त्री साहब का नंबर है, ये देख रहे हैं, ये मिस्त्री साहब है हमारे सामने।
ये शकरगढ़ का गाँव है बरोटी, वहाँ के रहने वाले। तो ये तकरीबन 400 450 फुट तक जाएगा अंदर। अभी वो शाम को पता लगेगा 400 जाता है, 450 जाता है या 500 तक जाता है। जब वहाँ से पाइप जो सा वो टाइट करना होता है, नया पाइप लगाना होता है। ये देखा नया पाइप लगा रहा है, तो यहाँ से ब्रेक लगा लेते हैं। ये देखा यहाँ से ब्रेक लगाइए, ये सिस्टम है, इसके साथ ब्रेक लगती है यहाँ पे। जब वहाँ से पाइप टाइट हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ से दोबारा चलना शुरू होगा। लो रेत शुरू हो गई है, उतली रेत है। तकरीबन किन्ने फुट तो रेत शुरू हुई है? ये रेत जी ना 20 फुट तो शुरू हुई है, तो 50 तक जाके मुक जानी है। ठीक है, उस तो बाद फिर मिट्टी आ जाती है। ये मिट्टी वाला पानी जड़ा है किन्ने फुट तक लगना? ये तकरीबन 50 फुट तक। 50 फुट तक, ठीक है। इसका मेन मकसद की होता है मिट्टी का? रेत दी ना रेत रोकने वास्ते। अच्छा अच्छा, रेत रोकने वास्ते। ठीक है, जो मिट्टी शुरू हो जाए काड़ी शुरू हो जाए। हाँ हाँ, मेरा पानी बड़ा थोड़ा लाल होगा, मेरा मिट्टी नहीं पानी देना। ठीक, वो देखें अभी वहाँ से ब्रेक लगाई है उन्होंने, और ये पाइप यहाँ से नया पाइप लगाएंगे। ये दूसरा पाइप पहले वाला खुल रहा है, ये खुल के और ऊपर चला जाएगा। पाइप जो सा तो खुद ब खुद ये ऊपर चढ़ा देता है और टाइट कर देता है। ये जो 50 फुट पे कड़ा होता है ना कड़ा, ये वो तोड़ रहे हैं, लेकिन टूट नहीं रहा। ये देखें मशीन का फुल जोर हो रहा है। किन्ने फुट से आया मिस्त्री साहब? पूरे 50 फुट से। इसका मतलब 50 फुट तो बहुत बोर हो गया। ठीक है, साठ फुट से ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये जो सा मिट्टी वाला पानी है ये नीचे गिरा दिया अभी ने। ये अब 200 फुट बोर जो है ना 200 से ऊपर हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि पहले पाइप जो सी अंदर जाने की स्पीड कितनी थी और अब कितनी है। ये देखें फुल आराम से पाइप अंदर जा रहा है। पहले इससे तकरीबन मेरे अंदाजे से 3 गुना ज़्यादा स्पीड थी। पूछा बड़ा कड़ा टुट गया, जरा 200 फुट का कड़ा ही टुट गया। 200 वाली रेत है तो कड़ा जरा 180 तो 200 से आंदा टुट गया। अच्छा, तो जनाब बोर का जो सा काम है ना तकरीबन आधे से ज्यादा हो गया, क्योंकि तकरीबन हमने 500 फुट करवाना और 300 के करीब पहुंच गया। आपको दिखाया मैंने तो, और वो जो पाइप लेके आए हैं वो पाइपों का ना वो करने लग पड़े हैं, मसलन के उनको आपस में जोड़ने लग पड़े हैं उनको। अभी मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पे जाके, वो बाई चांस जो है ना अभी पाइप रख रहे हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर 500 फुट तक तकरीबन होगा। तो वजह यह है कि पहले भी यहाँ पर बोर हुए हैं हमारे घर के ही पास ही है, तकरीबन 300-400 फुट तक वक्फा है जहाँ पे बोर हो रहा है। तो उन्होंने भी करवाया तो तकरीबन उनका बोर हुआ था 370, लेकिन हमारा घर की जो सी हाइट है ना वो भी थोड़ी सी ऊपर है, तो वो कह रहे हैं कि आपका जो सा बोर है ये तकरीबन 400 फुट के करीब होगा।
तो अगर इससे ज़्यादा होगा, अगर वो जो 400 फुट पे जो कड़ आती है अगर वो टूट गई तो उसके बाद पता नहीं 700 पे जाके ठहरनी है, 800 पे ठहरनी है या 1000 पे ठहरनी है। तो इसलिए फैसला यही किया कि जौन सी 400 के करीब जौन सी आएगी ना, जौन सी भी कड़ आ गई 400 पे तो उसी पे जौन सा एंड कर देना बोर का। अभी देखो वो 400 से ऊपर होता है या नीचे। ये जिनके मुंह आगे से ख़राब हैं उन सब के मुंह आगे से काट लेंगे। ये फिल्टर है, फिल्टर के ऊपर जोंसिया ने बारीक जाली ऊपर चढ़ा दिया ताकि रेत वगैरह जोंसिया नीचे से ऊपर ना आ सके। और ये ऊपर इसके टेप जोंसिया अब उसकी टैग चढ़ा देंगे ताकि कपड़ा अपनी जगह से हिल ना सके। अच्छा तो यार पैप निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया। तकरीबन ये 364 फुट जोन सा ना टोटल बोर हुआ हमारा। तो अब ये बोर निकाल रहे हैं जोन सा मसल के अंदर डाले थे पैप, वो पैप निकाल रहे हैं। तो रेत माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली है। मिस्त्री साहब बता रहे हैं कि आप जैसी रेत जोन सी है ना बहुत कम निकलती है लोगों की। तो 364 फुट बोर जोन सा टोटल हुआ है।
अब ये बोर का सामान बीच में डालने लगे हैं, फिल्टर अंदर जाएगा। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਲ ਵੇਚਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੇਚਣਾ ਆਹੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੈਲ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਪਏ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਜਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋੜ ਫਿਰ ਬਜਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਬਜਰੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਹ ਬਜਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਲੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਜਾਈ ਜਾਈ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਸ਼ੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਗੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਚਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ।